प्रोफेसर वो गौरव वाला वो उनसे रिबाट लो के आज कोई सरकार का जीडीपी बढ़ता है, आज कोई सरकार का एफडीआई बढ़ता है, आज कोई स्टेट का जीएसडीपी बढ़ता है, तो क्या वहाँ की सरकार, वहाँ के रूलिंग पार्टी के एमएलए इस चीज का क्रेडिट नहीं लेते? आज कोई असेंबली में कोई पुल बनता है तो क्या वहाँ का एमएलए उसका क्रेडिट नहीं लेता? आ जाते बिल्कुल लेता है, क्यों नहीं लेगा? तो पर क्यों नहीं लेगा, लेना भी चाहिए, यही तो है। और वही लेने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आज विज्ञापन जब दे रहे हैं तो शाहजहां अलवी को तकलीफ हो रही है। वही ले, वही क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी के विज्ञापन, मोदी जी के मन की बात, व्यक्ति की बात चर्चा नहीं कर रहा हूं, लोगों को तकलीफ होती है। जनरल सैलरी कहीं तो खेल है सारा। ओके शाहजहां अलवी, लेगा लोग रिएक्ट हुआ जय लोग रिएक्ट हुआ जय लोग शाहजहां जी जी, क्योंकि मेरा नाम लिया इन सज्जन जी ने मेरा नाम लिया, मुझे तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि 526 करोड़ सालाना तौर पर सिर्फ अपने गुणगान के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं उस शख्स के जरिए जो पेड मीडिया के खिलाफ लगातार बोलता रहा है। इससे थोड़ी हंसी याद आती है कि वो जो आप खुद मीडिया को पे कर रहे हैं अपना गुणगान करने के लिए और आप इस बेसिस पर पावर में आए हैं कि आप मीडिया को पेड मीडिया कह रहे थे, इससे थोड़ा विरोधाभास नजर आता है क्योंकि मैं भी उस पार्टी का हिस्सा थी। दूसरी बात और जरूरी बात, उसी पार्टी में और पार्टियों में भी, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमारे एक और साथी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है कि उसमें बहुत सारे लोगों के रिटर्न्स अलग अलग हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल का ये या फिर वीरभद्र सिंह जी का कि सोच ये कि सैलरी बढ़ा देने से करप्शन रुकेगा और लोगों के लिए आसानी होगी, तो उसी हिसाब से जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं जो दिखाते हैं बेनामी प्रॉपर्टी भी नजर उसमें हो और जो दिखाते भी हैं जो रिटर्न्स हो उसके हिसाब से हो, आप ब्लैंकेट तौर पर कैसे 400% इंक्रीज कर सकते हैं या 200% इंक्रीज? आप सोचिए, हो सकता है कोई ऐसा अच्छा भला एमएलए हो जिसके पास जाहिर में कोई पैसे नहीं है, वो कैसे करना चाहेगा, उसको अपने नॉर्मल सैलरी चाहिए। लेकिन जिसने 100 करोड़ प्रमिला टोकर से खेल आरकेपुरम से, जिनके पति के 100 करोड़ रुपए दिखाए हैं, तो क्या उनको भी उतना ही पैसा चाहिए? जवाब आ जाए लो, क्विक रिस्पांस। और इंसान को चाहिए होगा घर चलाने के लिए, शाजिया घर चलाने के लिए राजनीति में नहीं आया जाता है, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए। पॉइंट कह रही थी और ना ही कोई आता है, ये सोच के कोई गारंटी नहीं है कि राजनीति में आप आ रहे हैं। आप राजनीति में आ रहे हैं तो आप राजनीति में सक्सेसफुली हो जाएंगे। मैं तथ्यों की मैं भी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग काम करते हैं उनको अपने काम को दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया एक माध्यम है जिसका हर पार्टी इस्तेमाल करती है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हम हो, तो उसमें उंगली क्यों उठानी है? जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 1000 करोड़ का फ्लाईओवर 700 करोड़ में बना दिया, 300 करोड़ बचा लिए, जनता को बता रहे हैं, तो क्या हर्ज है बताने दीजिए, उसमें किसी को क्या परेशानी है? मोदी जी जब मन की बात आप सारी बातें बताते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम आम आदमी की बात, मैं तो मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ तो वो भी आपको नहीं पच रहा है। अरे मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ तो कम से कम उसको तो अप्रिशिएट कीजिए ना। मैं तो प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ कर रहा हूँ। लोगों को अपने अचीवमेंट को जनता तक पहुंचाना चाहिए। आज हम स्टैंडअप इंडिया, वेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर इसका प्रचार नहीं करेंगे तो गांव में बैठे हुए लोगों को कैसे पता चलेगा? आम इंसान के टैक्स पेयर्स का अपना गुणगान अलग है और स्कीमों का जिसके तहत लोगों का फायदा हो, जो मास मीडिया के प्रचार में जो इस्तेमाल होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अपनी तारीफ की, मैं ये चाह रहा हूं कि विधायिका का रिप्रेजेंटेशन और सैलरी से विज्ञापनों का कोई ताल्लुक नहीं है। विधायिका के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन जनता करती है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बातों को घुमाइए नहीं, 5 साल बाद ही होना चाहिए। 1 साल में अगर नहीं काम हो तो रख रहा हूं जनता को इवैल्यूएट करने का क्यों नहीं कोई हक नहीं है। ये आप कह रहे हैं मैं रुक करता हूं, पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी। मैं मुकेश नायक का रुक करता हूं। मुकेश नायक, यू आर अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, अक्टूबर 2009 सेंट्रल मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिस्टर सलमान खुर्शीद ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी, इंपॉर्टेंट बात बोली थी। कहा था सीओ से वल्गर सैलरी ना लेने की बात कही थी, क्या वो ही यही बात अपनी पार्टी के एमएलओ पे भी लागू करेंगी? कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, अब तो बड़ी नहीं है, पुरानी पार्टी है, लेकिन 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 क्या आप अपने अपनी सरकारों को यह हिदायत देंगे कि कृपया करके इस रैट रेस से वो बाहर निकले? हिमाचल में जो हुआ है क्या उसको आप जायज मानते हैं जब मुख्यमंत्री पर खुद आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है? जनप्रतिनिधि की उनके ऊपर तो ऑलरेडी करप्शन का मामला है, ऊपर से वो सैलरी में भी हाइक ले रहे हैं।
उनके ऊपर करप्शन का मामला है, कोई करप्शन सिद्ध नहीं हुए उनके ऊपर, अभी न्यायालय में मामला चल रहा है, जब निर्णय होगा तब इस पर विचार हो जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ विधायक की सैलरी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि ट्रैवलिंग अनाउंस भी मिलता है, अभी जो कोर्ट की जजमेंट आई है वो भी पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा नायक साहब, अनाउंस मिलता है, ऑफिस अनाउंस भी मिलता है, ये सारा का सारा जो भी मिलता है ये ऑनडेरियम के पैकेज में ही इंक्लूडेड है। जैसे मध्य प्रदेश में 1,17,000 विधायक को जो ऑनरेरियम मिलता है, इसमें ट्रैवलिंग अनाउंस भी शामिल है, इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस भी शामिल है, इसमें हेल्थ के एक्सपेंसेस भी शामिल है, सब इसी में शामिल है, ये बहुत रीजनेबल है। नहीं, आपकी सैलरी के अलावा होता है, जिस तरह के आदर्श ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिस एक्सपेंस आपकी सैलरी के अलावा होता है। समीर जी, आपको मालूम नहीं है, नहीं होता है, आपको ये जानकारी नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं, 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 मुझे लगता है मुझे आप अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाइए, मेरे पास पूरी जानकारी है। आप सही कह रहे हैं रमेश जी, वो अदर देन सैलरी है, और मेरा ये मानना है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। एक छोटी सी बात मैं बोलूँ कि सैलरी हाइक के कोई विरोध में नहीं है, पर आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस क्या नहीं, नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंस 400% का हाइक नहीं, मुकेश भाई हाइक, यू टेल मी 400% का हाइक मंजूर करना चाहिए, 200% का हाइक मंजूर कर देना चाहिए, मुल्क में सूखा पड़ा हुआ है, 200% देश के 9 राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है, 200% जीडीपी ग्रोथ हो तो कर लो, आप 400% हाइक को भी मंजूर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कमाल की हम बात कर रहे हैं, क्या इतना सैलरी का हाइक आम जनता का होता है? डीए में 6% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ती है, डीए में सिर्फ 6%, इज दैट 200%, इज दैट 400%, क्या वो मेहनत नहीं करता, क्या वो काम नहीं करता? मुकेश नायक, समीर जी आपकी समस्या ये है कि सारे आदर्श आप जनप्रतिनिधि पर ही उसका निरूपण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आदर्शवादी जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए, उसकी सैलरी बढ़ रही है, हम चुपचाप बैठे रहे, मामले को बंद कर दे, दबा दे, वाय वी विल क्वेश्चन देम, और उसके अलावा पेंशन अलग है, ये भी है अमीर जी, पेंशन एक अलग चीज है, जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ एक जनप्रतिनिधि की जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको भी समझ, बिल्कुल व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा और समझना जरूरी है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कई जनप्रतिनिधियों की कंडीशन बहुत खराब होती है फाइनेंशियली, लाजमी है, लेकिन मेरा सवाल हाइक से नहीं है, आप हाइक करिए 40% हाइक करिए, 30% हाइक करिए, 200% हाइक, 400% हाइक किस लिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं, 400% हाइक क्या जायज है? शाजिया इल्मी जी, हितेश देखिए दो बातें हैं, देखिए दो बातें इसमें हैं और दोनों बातें कही गई हैं, लेकिन अगर उसको पूरी तरह से ब्रेक किया जाए और समझा जाए, एक तो वाकई में इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर हो और मुनाफा हुआ हो स्टेट का, बाकायदा ग्रोथ रेट बड़ा हो, बाकायदा बेरोजगारी बड़ी हो, कम हुई हो, रोजगार बढ़ा हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई हो, तो एमएलए डिमांड भी कर सकते हैं। दूसरी बात, हर एक एमएलए की आपकी, आप तो ऐसे अलग नहीं, उसके आप तो शिक्षा ऐसे दे रही है कि आपकी पार्टी ने करा नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो आपकी पार्टी ने करा है। हितेश एक मिनट, अमीश देवकु नाम है मेरा, आप गलत नाम ले रही हैं, मैं खत्म कर रही हूँ बात को, तो हितेश एक मिनट, अमीश दो एक मिनट लगेगा, एक दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो वाकई में वो डिमांड करें क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया हो, या दूसरा दिखाएं कि इसका रीजन क्या है, क्यों उनको पैसे चाहिए, तीसरा और बहुत जरूरी है कि हर एक एमएलए की दूसरे एमएलए से स्थिति अलग है। मैडम, पर्सनल तौर पर शाजिया इल्मी, आप सारी शिक्षा दीक्षा दे रही हैं, आप पूरी शिक्षा दीक्षा दे रही हैं कि ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को समझाइए, डॉक्टर रमन सिंह को समझाइए, क्यों नहीं समझाया? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल समझाएंगे, ये तो मैं जनरल बात कह रही हूँ, सब पर एप्लीकेबल है, आप तो लड़ाई कराना चाह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं तुम ये करो तुम वो करो, हम लोग नहीं लड़ेंगे आपकी आपके कहने से, हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि ये मेरे व्यूज है, मैं रखूंगी, मैं कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दे रही हूँ, मैं अपने व्यूज प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक से हमसे बात कीजिए, हम ठीक से जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। शाजिया इल्मी, जो छत्तीसगढ़ में हुआ क्या आपको लगता है वो जायज था? जो दिल्ली में हुआ वो जायज था 400% का हाइक?
अरे भाई मैं बता तो रही हूँ मेरे व्यूज है, मैंने मैंने कितनी बार उसको एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि केस टू केस बेसिस एमएलए टू एमएलए के हिसाब से या स्टेट के हालात के तौर पर ये डिपेंडेंट है। अगर ब्लैंकेट तौर पे गया गया है तो उनको समीक्षा करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। ये मेरे व्यूज हैं जो मैंने प्रेजेंट कर दिए आपको।